राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में आने के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। पार्टी ने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। टीकाराम जूली एक दलित नेता हैं, पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। इस वक्त अलवर ग्रामीण सीट से विधायक हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये साफ हो गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी के इस कदम को बड़े राजनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। इससे कांग्रेस ने दो समुदायों को साधने की कोशिश की है। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने के बाद जाट समुदाय को उनके साथ खड़ा रहने का संकेत दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित वर्ग से आने वाले टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस ने किसी दलित नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले जिलों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसके मद्देनजर पार्टी ने टीकाराम जूली को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल टीकाराम जूली अलवर से आते हैं, जो हरियाणा बॉर्डर के नजदीक है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दलित वोटरों पर दलित समर्थक होने का संदेश देना चाहती है। कई वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस ने किसी दलित नेता को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। कांग्रेस ने 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 13 महीने तक ही सीएम रह पाए थे। बताया जाता है कि उस वक्त साहित्यकारों पर तीखी टिप्पणी के बाद उन्हें राजस्थान से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। अब 44 साल बाद पार्टी दलित और जाट वोटर्स पर पूरी तरह फोकस कर रही है। लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि राजस्थान कांग्रेस के पास दलित का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ऐसे में पार्टी टीकाराम जूली पर दाव लगाकर ये साबित करना चाहती है कि राजस्थान कांग्रेस में टीकाराम जूली जैसा एक बड़ा दलित नेता है। 43 साल के टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी लंबे समय के लिए एक मजबूत नेता बनाना चाह रही है। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण भारेट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी टीकाराम जूली के बहाने कई राज्यों में दलितों को बड़ा संदेश देना चाहती है। अलवर से बसपा ने कई बार चुनाव जीते हैं, ऐसे में दलित समुदाय को एक मजबूत नेता देने की कोशिश की गई है। ये आने वाले दिनों में बड़ा असर दिखा सकता है। बता दें कि जब से बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीता है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आई है, तब से प्रदेश अध्यक्ष बनने से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष के लिए नेताओं के बीच कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था। पायलट और गहलोत गुट के नेता अपनी अपनी जुगत लगा रहे थे। अब कांग्रेस को इस कदम का फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।